तो शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए बिरयानी खाते हैं। अभी 2 दिन नॉनवेज खाना भी नहीं है, तो हम लोगों ने बिरयानी खाने के लिए, यहाँ एक जंक्शन बिरयानी रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ आए हुए हैं। तो अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे बिरयानी, और आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को बिरयानी। Drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely star. तो जाने के टाइम मैं एक्चुअली रेस्टोरेंट का बाहर का वो नहीं ले पाई थी। तो ये है वो जंक्शन रेस्टोरेंट, बिरयानी बहुत ही अच्छा था। तो अभी हम लोग घर निकल रहे हैं, तो घर जाने के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। अभी ये देखिए, अभी मैक्स से मैक्स 9, 10, 15 हुआ होगा, एंड पूरा रोड देखिए अभी पूरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि सारे दुकान बंद हो गए हैं। यहाँ पर 8 बजे सारे दुकान वगैरह बंद हो जाता है, ये पूरा अंधेरा हो गया है। बस रेस्टोरेंट वगैरह खुला रहता है रात के 10 बजे तक, यानी आप बाहर जाके खा सकते हो, लेकिन कुछ ख़रीदारी वगैरह नहीं कर सकते। रात 8 बजे तक ये सब बंद रहता है, बंद हो जाता है एक्चुअली, 8 बजे तक ये सब बंद हो जाता है। तो चलिए फिर घर चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। पर मैं एक फेस पैक बनाने जा रही हूँ। तो पहले देखिए, मैंने यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ऐड किया, फिर उसमें मैं रोज़ पाउडर ऐड करूँगी। तो रोज़ पाउडर ऐड करने के बाद मैंने उसमें चंदन पाउडर, देन मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन, हल्दी ये डाल दिया है। उसके बाद मैं उसमें एलोवेरा जेल थोड़ा डालूंगी, फिर उसको थोड़ा सा मिक्स करके मैं उसमें दूध डालूंगी। दूध मैंने इसलिए डाला है क्योंकि दूध, अगर आपका स्किन कभी कभी ये होता है ना कि उपटन फेस पैक लगाने के बाद आपके स्किन में ना कहीं कभी कभी ड्राइनेस आ जाता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया, चंदन पाउडर हो गया, ये किसी किसी के स्किन में ड्राइनेस लाता है, जो कि मेरे स्किन में होता है, पर्सनली मैं फील करती हूँ। इसलिए मैं इसमें कच्चा वाला दूध ऐड कर देती हूँ, तो ये हमारा फेस पैक एकदम बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने स्टामियो का एलोवेरा जेल यहाँ पर यूज़ किया है। ये प्योरली नेचुरल है और इसमें नो आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्रैग्रेंस कुछ भी नहीं है, एंड ये प्योरली ऑर्गेनिक है। ये बोथ मेन एंड वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का बेनिफिट मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोगों को पता ही होगा कि आपको स्किन को सॉफ्ट, सप्पल एंड हाइड्रेट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपके स्किन में कोई पिगमेंटेशन वगैरह भी है तो वहाँ पर भी आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। मेकअप बेस के लिए भी अगर आप मॉइस्चराइजर की तरह या प्राइमर की तरह एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हो। ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको हेयर में लगा के अगर कोई भी कंडीशनरिंग कराना चाहते हो, या आप हेयर स्ट्रेटनिंग कराना चाहते हो, या हेयर में कोई टाइप का आप स्टाइलिंग कराना चाहते हो, तो पहले आप इसको लगा के उसके बाद भी अगर आपके हेयर में वो स्टाइलिंग वगैरह कराएंगे तो हेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई थिंक एलोवेरा जेल का बेनिफिट मैं आपको क्या बताऊंगी, ये आपको हर किसी को पता होगा। और स्टामियो का ये एलोवेरा जेल मेरे को बहुत पसंद आया, मैं इसको फेस पैक भी यूज करती हूँ, हेयर कंडीशनर की तरह भी यूज करती हूँ। तो एलोवेरा जेल से स्किन को कोई आप जैसे बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बोथ मेन एंड वुमेन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस आप देखोगे यहाँ पर 347 लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अमेजोन, पर्पल एंड फ्लिपकार्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसका प्राइस क्या है, और आप लोग वहाँ से अगर चाहो तो ले सकते हो। तो चलिए फिर लगाते हैं फेस पैक।
तो यहाँ पर देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ। एक्चुअली नहाने से पहले लगा कर जा सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी से आज पूजा फिनिश करना था, इसीलिए क्योंकि बेटी का क्लास स्टार्ट होगा तो मैं नहा कर पहले आ गई हूँ, उसके बाद इस जो फेस पैक मैंने बनाया था वो लगा लूँगी। इसको मैं 15 से 20 मिनट्स रखूँगी, उसके बाद ये देखिए मैंने अभी स्किन वॉश करके आया हुआ है, और स्किन में देखिए ये पूरा नेचुरल है, कुछ भी नहीं ऐड किया, मैं यही जेंटली 1 या 2 times यूज़ करती हूँ एंड दैट्स इट। और नॉर्मल क्रीम, बस मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। अभी लोग तीज के लिए एकदम रेडी हैं, तीज, गणपति पूजा बहुत सारा आ रहा है और हमारा स्किन पूरा रेडी है, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और स्किन एकदम खिल गई है ना। तो चलिए चलते हैं, और आज रात को शॉपिंग में भी जाना है हम लोगों को, तो शॉपिंग करके आज मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया, ठीक है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग इतना सारा देख चुके हैं और मैं अभी आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम। कभी कभी हो जाता है, अभी इतने दिनों में ये सब तो होना ही है क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं। तो आज ये जो ब्लॉग आप लोगों को जब जाएगा तब तक तो तीज और गणेश चतुर्थी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को तीज और गणेश चतुर्थी का ब्लॉग दे पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा अभी शूट और एडिटिंग करने का टाइम मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, कल है तीज तो मैं आज ये आपको शॉपिंग ब्लॉग दे रही हूँ, शॉपिंग एंड स्किन रेडिएंट करने के लिए कुछ टिप्स वगैरह इस ब्लॉग में आप लोग देखोगे। कोई नहीं, अभी मैं तुरंत से स्टार्ट करती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग कल किया है, गणपति पूजा एंड मेरे जो नए घर में जाऊँगी उसके लिए भी कुछ कुछ शॉपिंग मैंने किया है, तो वो पूरा मैं आज आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। पहले मैं गणपति पूजा के लिए क्या क्या शॉपिंग की हूँ वो दिखा रही हूँ। पहला तो है ये एक छोटा सा आसन मैंने लिया है, ये वुडन आसन, ये मैं गणपति जी को इसके ऊपर बिठाऊंगी, जिस दिन बिठाऊंगी बोल दो आप लोगों देखने से पता लग जाएगा। तो ये है आसन, ये मेरे को 250 से 300 के बीच में पड़ा था। नेक्स्ट मैंने कुछ कपड़े लिए हैं गणपति जी के लिए, कपड़ा नहीं दिखाऊंगी, वो सस्पेंस है। और ये है उनका मुकुट, ये उनका मुकुट है, और दो नेकलेस भी मैं लाई हूँ, मेरे दो गणपति जी हैं, एक छोटे वाले हैं उनके लिए ये वाला है नेकलेस, और एक बड़े वाले हैं उनके लिए ये वाला है। और ड्रेस तो जिस दिन पहनेंगे उसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। तो कल तीज में पहनने के लिए ये मैंने साड़ी लिया है, या मैंने आप लोगों को संबलपुरी साड़ी का कलेक्शन जो दिखाया था उसी में ही दिखाया था, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो ये है वो साड़ी, लाइन से कुछ चूड़ियाँ ऑर्डर की थी लेकिन वो ठीक टाइम में आके मेरे पास पहुँचा ही नहीं, तो मैंने कल जाके कुछ चूड़ी लाई हूँ, उसे तो मैंने पहन लिया है क्योंकि तीज के दिन हम लोग चेंज करके नहीं पहनते, आई थिंक विजिबल हो रहा है, तो ऐसा ही चूड़ी है ये, बीच में मैंने ये वाला दिया है, मल्टी कलर में है, और उसके साइड में ऐसे ये रेड कलर में, क्योंकि मेरा साड़ी रेड कलर में है इसलिए मैं रेड कलर की चूड़ी लाई हूँ। नॉर्मली में भी मैं रेड ही पहनती हूँ ज़्यादा, और कोई कलर मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। गणेश पूजा के लिए, शोना के लिए मैंने लिया है ये वाला फ्रॉक, ये देखिए ये मल्टी कलर में नीचे में है, ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था, इसका लिंक अगर अवेलेबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये वाला ड्रेस है, उसको एक यूनिकॉर्न वाला लुक वाला ड्रेस चाहिए था तो मैंने उसके लिए ये वाला लिया है गणेश पूजा के लिए। और अभी जो शॉपिंग मैं दिखाऊंगी वो थोड़ा घर के लिए है, पहला है ये है चेयर कवर्स, डाइनिंग टेबल चेयर कवर्स है ये, कुछ प्रिंटेड वाले, ये देखिए, तो
ये लिया है मैंने डाइनिंग टेबल चेयर के लिए कुछ कवर, ये फोर्थ का सेट है, ये एक है, और वहाँ जो मेरे न्यू घर के लिए कुछ कर्टन्स वगैरह भी मैंने लिए हैं, इस बार प्योर वाइट के कर्टन्स मैंने लिए हुए हैं, तो दिखाती हूँ आपको। ये है स्ट्रक्चर वाले कुछ, इसे आप देख सकते हो, मैं खोल ही रही हूँ। ये है, ये 6x4 feet के है, तो कुछ अलग ही आइडिया दिमाग में है, तो इस बार मैंने वाइट कलर का ही सारा कुछ सामान लेने का सोचा है, तो वाइट कलर का वो चेयर कवर हो गया और ये वाइट कलर का कर्टन भी आ गया। उसके बाद मैंने ये बेडशीट लिया है, ये वाला बेडशीट, ये प्योर कॉटन में है और इसका ये है इसका पिलो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, मैं आज इसको डालूंगी, सोच रही हूँ, देखती हूँ आज डालूँ किस दिन डाल रही हूँ, या नए घर में जाके डालूंगी तो वो तो आप लोगों को पता ही लग जाएगा। तो ये है एक बेडशीट, ये ऑनलाइन लिया था मैंने, ये मीशो से मैंने लिया था, आई थिंक 600 के अराउंड ही पड़ा था, एंड वो कर्टन मैंने अमेजोन से लिया था, वो 2 का पीस मेरे को 499 रुपीज़ ऐसा कुछ पड़ा था, एंड चेयर कवर्स भी मैंने अमेजोन से लिया था, वो 1389 के करीब मेरे को आया था। नेक्स्ट मैं कुछ क्रॉकरी आइटम्स दिखाती हूँ जो कि मैंने फिर से अमेजोन से ही लिया है। तो फर्स्ट है ये कुछ सिलिकॉन वाले कुछ क्रॉकरी, ऐसे आप देख सकते हो, इसका ये बेस जो है ये स्टील का है एंड ये है सिलिकॉन का, तो नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये स्पैचुला, ये भी एक स्पैचुला है, ये आप पूरी पूरी तल सकते हो इसमें, एंड इसमें आप पराठा वगैरह बना सकते हो, बहुत ही स्टर्डी है, और सबसे अच्छा है कि ये पिजियन ब्रांड का है, पैसा शायद मेरे को ये 289 के करीब पड़ा था, लेकिन अवेलेबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट मैंने कल और एक चीज़ भी मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, आजकल कुल्लड़ वाले चाय का बहुत ये चढ़ा हुआ है, तो मेरा इस टाइप का शेप का कुल्लड़ वाला कोई कप नहीं था, तो ये मैंने 2 का सेट मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, ये देखिए ना प्यारा है, ये मेरे को 2 का सेट शायद 299 के करीब आया था। नेक्स्ट मैंने ग्लास का भी कुछ सेट मंगाया है, तो ये आप ऐसे देख सकते हो, विस्की ग्लास इसको बोलते हैं, तो ये ग्लास मैंने 4 का सेट लिया था, अगेन फ्लिपकार्ट से लिया था, ये 4 का सेट मेरे को 220 के आसपास कुछ आया था 4 का सेट, और एक सेट भी मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से ही, ये ट्रियो का है, और ये इसका MRP आप देख सकते हो 199 रुपीज़। और ये ग्लास का शेप जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, इसका प्रिंट है इसमें, मैं दिखाती हूँ, ये है वो ग्लास, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, आई जस्ट लव इट, मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। एक्चुअली ग्लासेस तो मेरे यहाँ वैसे भी शोपिश के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ, शो करने के लिए, अच्छा लगता है यार, वो डिफरेंट टाइप का क्रॉकरीज आपके रसोई में हो तो रसोई का लुक ही थोड़ा चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये दो बाउल लिए हैं मैंने, ये भी अमेजोन से लिए हैं, 2 का सेट मेरे को 399 रुपीज़ आया। ये एक्चुअली मैं ठाकुर जी को, ये स्टोनवेयर है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ठाकुर जी के पास, तो इस पर थोड़ा कुछ कम अमाउंट का, जैसे खीर हो गया, कुछ भोग वगैरह लगाने के लिए मैंने ये लिया है, आप घर में भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं सब ठाकुर जी, लेकिन अभी तो गणेश चतुर्थी आ रहा है तो मैं इसलिए मेनली ये ली हूँ। नेक्स्ट मैंने 2 छोटे छोटे घर में यूज़ करने के लिए सर्विंग ट्रे लिया है, ये 2 का सेट मेरे को 199 रुपीज़ आया है, ये मैंने अमेजोन से लिया है, तो ये मेरे को ये जैसे नॉर्मल चाय वगैरह पीने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या छोटा हम दोनों के लिए, जैसे हम दोनों चाय शाम को पीते हैं उसके साथ थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, तो वुडन वगैरह यूज़ करने में वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा वाटर वगैरह लग के, तो ये वाला एक लिया है मैंने। और क्या है,
इतना ही मेरा शॉपिंग है आज का। तो आई थिंक कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा शॉपिंग वाला हॉल। बहुत दिनों से आपके साथ शॉपिंग हॉल शेयर नहीं किया था, तो डीएम आ रहे थे कि दीदी आप आजकल शॉपिंग नहीं करते। अरे यार, सब टाइम शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं होता, और अभी तो घर चेंज करना है, आगे जाके बहुत सारे शॉपिंग होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग्स को ऐसे ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए, एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी चैनल को ग्रो भी कराइए, तभी जाके मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट और भी अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाऊँगी। तो फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वाले ब्लॉग के साथ। गणेश चतुर्थी और तीज वाला ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी आ जाएगा, पहले ये देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।